और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मूंगफली की फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस समय फसल में कई प्रकार की कीट और रोगों के साथ साथ खरपतवार भी फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समय रहते फसल में इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है जिससे कि फसल से अच्छी उपज मिल सके। तो मूंगफली की फसल का प्रबंधन आप कैसे करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशि किरण तरकी से। आज मैं आप लोग के समक्ष जितने किसान भाई जो मूंगफली की खेती कर रहे हैं उनके लिए कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि अब तक जिन्होंने बुआई कर ली होगी उनके पौधों की उम्र 20 से 25 दिन अवश्य हो गई होगी। मूंगफली की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो हमको उसको निकाई गुड़ाई कर लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि घास ना हो। अगर घास होंगे तो क्या होता है, हमारे पौधे हैं वो उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है और उनके जो पौधों का विकास जो होना चाहिए जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं वो नहीं हो पाता है। मूंगफली की फसल खरीफ की फसल है जिसकी वजह से इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि खरीफ की फसल बारिश के मौसम के समीप ही की जाती है। यदि बारिश समय पर नहीं होती तो इसके पौधों को जरूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। जब मूंगफली के पौधों में फूल और फलियां बनने लगें तो खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम निकाई गुड़ाई करते हैं तो अभी की जो परिस्थिति है, पानी की कमी है, वर्षा कम हो रही है, इस समय हम लोग को चाहिए कि जब निकाई गुड़ाई कर रहे हैं तो हल्का सा मिट्टी हम पौधों के जड़ों में हम डाल दें। पौधों के जड़ों में डालने से क्या होगा हम कि वो पौधे स्थिर रहेंगे। मूंगफली की फसल में लगने वाले कीटों की बात करें तो सफेद गिटार का प्रकोप होता है। ये सुंडी सी आकार के सफेद मटमेल रंग की सुंडी है जो जड़ों को काटकर हानि पहुंचाती है जिससे पौधा गिर जाता है और फसल को काफी क्षति होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। दूसरी बात, अभी के मौसम के अनुसार हो सके तो आपके फसल में जो पत्तों में है वहाँ पीला पीला दाग दिखाई दे, गोलाकार या अनियमित आकार का, तो इसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं जो है टीका बीमारी। ये दोनों अवस्था में आती है, अर्ली अवस्था में भी और लेट अवस्था। तो जो अर्ली जो पहले आती है वो यही है आपका, जब पौधा 30-40 दिन का हो रहा है उसी समय ये बीमारी आती है। क्योंकि यदि पत्तियों में धब्बा हो जाए या पीला दाग आ जाए गोलाकार अनियमित, तो फिर हमारा वो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी, तो वो फली जो होगा वो हमारा जो उचित जो उसका साइज होना चाहिए, आकार होना चाहिए, वो नहीं आता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आप इसके लिए एक दवा बहुत प्रचलित है, साफ हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव करें और फिर 15 दिन के अंतराल में फिर दोबारा छिड़काव करें। लीफ माइनर रोग मूंगफली के पौधों पर सरकोस्पोरा परसुनाटा नामक कवक की वजह से लगता है। यह रोग पौधों पर तब दिखाई देता है जब पौधा 1 से 2 महीने तक विकास कर चुका होता है। मूंगफली के पौधों पर यह रोग लग जाने से पत्तियां समय से पहले ही गिरकर नष्ट हो जाती हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। मूंगफली के पौधों को इस रोग से बचाने के लिए थायथेन M45 की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार करना चाहिए। और एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि 26 से लेकर के देखते हैं 30 दिन के अंत तक में फूल आता है और उसके 1 सप्ताह बाद तक में जो पेग निकलता है और फली आता है, तो उस अवस्था में हमें खेतों के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हम खेतों के अंदर जाएंगे और एक बार वो पेग
जमीन को जो छू चुका है और हमारे कारण वो डिस्टर्ब होके बाहर आ जाएगा, तो वो फिर दोबारा उसमें फली नहीं लगता है, या तो फिर जो फली लगेगी उसका रंग हरा हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। तो दो तीन बातें ही ध्यान देने योग्य है, एक तो निकाई गुड़ाई और दूसरा है एक बीमारी टीका है जिसके लिए मैंने साफ बताया। इन सब बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा उपज जो है मूंगफली का काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं किसान भाइयों को से आग्रह करती हूँ, जो भी मूंगफली की खेती करते हैं, इन बातों का अवश्य ध्यान करें और अच्छी उपज पाएँ। होंगे